अगली बड़ी खबर आपको मध्य प्रदेश के ग्वालियर से बता दें, जहां रिहायशी इलाके में तेंदुआ देखा गया है। तेंदुआ दिखने से लोगों में दहशत का माहौल है। पुरानी छावनी इलाके में दिखाई दिया है तेंदुआ और वन विभाग तेंदुए की तलाश में जुट गया है। तो देखिए, ग्वालियर के रिहायशी इलाके में तेंदुआ दिखा। इन तस्वीरों में आप सीधे तेंदुए को देख सकते हैं कि किस तरह रिहायशी इलाके में ये तेंदुआ घूमता हुआ नजर आ रहा है। और इस तेंदुए को देखने के बाद लोगों में दहशत का माहौल है। जाहिर है कि अगर हम जहाँ रहते हैं वहाँ आसपास अगर तेंदुआ नजर आ जाए तो हमें भी डर लग जाएगा, हम भी डर जाएंगे। इसी वजह से जो रिहायशी इलाके के लोग हैं, इस इलाके के जो लोग हैं वो दहशत में हैं। पुरानी छावनी इलाके में ये तेंदुआ दिखाई दिया है। हालांकि वन विभाग अब तेंदुए की तलाश में जुट गया है। इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ अनिल गौर फोन कॉल पर जुड़ गए हैं। अनिल, ग्वालियर का कौन सा वो इलाका है जहां पर ये तेंदुआ दिखा है और वन विभाग अब कैसे तेंदुए को पकड़ने की कोशिश कर रहा है? बिल्कुल, देखिए, शहर का पुरानी छावनी इलाका है जहां पर ये तेंदुआ दिखा है और रिहायशी इलाके में तेंदुए की आमद से लोगों में काफी हड़कंप मचा है। बताया जा रहा है कि ये पुरानी छावनी के प्रीतम सिंह पहलवान के घर के आसपास ये तेंदुआ दिखा है और सीसीटीवी में भी कैद हो गया है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ है। और जिसकी जानकारी जब स्थानीय लोगों को पता लगी तो वहां पर हड़कंप मच गया है और उन्होंने इसकी सूचना वन विभाग को दी है। वन विभाग के कुछ कर्मचारी वहां पर पहुंचे हैं और तेंदुओं की तलाश में जुटे हैं। हालांकि अभी तेंदुआ उनके गिरफ्त में नहीं आया है, लेकिन जिस तरीके से जो तेंदुआ वहां पर दिखाई दिया है तो लोगों का ये कहना है कि रात के वक्त घरों के बाहर वो लोग बिल्कुल नहीं निकल रहे हैं, घरों के अंदर कैद हैं रात में, क्योंकि बिल्कुल कुछ भी जाहिर से बात है कि अगर रिहायशी इलाके में इस तरह तेंदुआ दिखाई देगा तो लोग डर के मारे घर से बाहर नहीं निकलेंगे। अब देखना है कि वन विभाग जो है कब तक इस तेंदुओं को पकड़ लेता है। बहुत शुक्रिया अनिल तमाम जानकारी के लिए।